तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्टार स्क्रीम। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक विलन चाहिए। लेट्स मेक स्टार स्क्रीम, ये तो यार टेम्पलेट। और इधर हमारे को व्हाइट आइवरी पेपर चाहिए क्योंकि स्टार स्क्रीम व्हाइट होता है, थोड़ा सा रेड होता है। हाँ थोड़ा सा रेड होता है, मैनेज करो। अलग रेड यूज कर लेंगे जो कि हमारे पास पड़ा हुआ। हाँ यहाँ पे हमने टेम्पलेट ले लिया पेज नंबर 1 से। हाँ तो अब हम ये वाला ले लेंगे। ये वाला जो है ये हम पहले बॉडी बनाए, हम पहले बॉडी बना लेते हैं चलो। और ये है पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 3। तो यहाँ पे मैं बॉडी को काट रहा हूँ, ये बॉडी का पीस है। हमने इसे आइवरी पे ट्रेस करना और उसको कट कर लेना है। और यहाँ पे जो हर वीडियो की तरह और यहाँ पे जो बीच में सर्कल है इसको हमारे को स्क्वायर है इसको हमारे को कट कर। तो गाइस हमने इसे रेडी कर दिया है, यहाँ छेद बना दिया है हर एक की, जैसे हमने ऑफिस ड्राइंग में भी बनाया था और बम्बलबी में भी। बल हम थोड़ा लेट हो गए थे बताने में। तो यहाँ पे अभी हमें ये क्यूबॉइड रॉइड, अच्छा नाम है, हमें इसे कट कर लेना है। तो जल्दी से कैसे, और इसको हम टेप भी कर देंगे तो हम जल्दी से इसको टेप करके लाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी बॉडी बना ली है, यहाँ से हमने इसको टेप भी कर दिया है। तो हमें बस यहाँ पे हॉट ग्लू लगानी है, तो हम जल्दी से यहाँ पे इसे हॉट ग्लू कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये X2 लिखा है इसे हम 2 times फटाफट से कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे फुल तरीके से रेडी कर दिया है और अभी हमें इसे यहाँ हॉट ग्लू की मदद से चिपकाना है ताकि हमारे आर्म्स रेडी हो सके। तो हम इन्हें जल्दी से चिपकाते हैं। हमने इसके आर्म्स बना लिए, तो हमें पेज नंबर 1 से ये वाला टेम्पलेट लेना है। तो इसको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स से काटना, तो अगर आप उससे नहीं कटता तो आप बड़े की भी हेल्प ले सकते हो। ऐसा हमने कोई बम्बलबी में भी यूज किया था। हाँ वो उसकी बॉडी करे पेज में इतनी जगह नहीं थी कि मैं पूरी बॉडी को ड्रॉ कर सकता, तो मैंने यहाँ पे फ्लिप का किया था। अब हमारी बम्बलबी वाली वीडियो को चेकआउट कर ले ताकि आपको पता चल जाए इसको कैसे कट करना है। तो हम इसको जल्दी से कट कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वो उसमें भी ऐसे फ्लिप लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं आई कार्ड्स में मैंने वो बम्बलबी की वीडियो डाल दी है, तो आप जल्दी से उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हाथ चिपका लिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे मैग्नेट्स लगा लिए ताकि हाथ आ जाए। हाँ तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे हाथ को रेडी करता हूँ। फ्रेंड्स ये एंड में ऐसा पीस बन जाता है जो कि फिर से टोपा लग रहा है। ये टोपा ही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में टोपा की तरह ही काम आएगा। तो इसके बैक पे ऐसे लगेगा, बट मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे लगाना है आपको। तो ये ऐसे लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको आप ऐसे लगाएंगे, ऐसे होगा जब ये ट्रांसफॉर्म होगा, ये हेड के ऊपर होगा। ये जेट का आगे वाला हिस्सा होता है वो है। हाँ ये ऊपर नोजल होती है ना जेट की, वो है। तो अब हम बना लेते हैं इसके हैंड्स। हाँ हाथ, तो उसके लिए हमारे को ये X2 वाला चाहिए और जहां जहां पे डॉट्स हैं वहां पे मैग्नेट्स लगाने हैं। और यहाँ बीच में एक डॉट इसलिए है क्योंकि वो जो रॉकेट लगाते हैं ना, ये वो उसके लिए है। और रॉकेट के भी हमने टेम्पलेट साथ साथ में दिए हुए हैं, ये वाले जिस पे मैंने उंगली थी। हाँ तो हम जल्दी से इसको कटआउट कर लेते हैं। सो लेट्स कट का सेल बनाना है, उसके लिए हमारे को ये वाला टेम्पलेट चाहिए। तो हम इस टेम्पलेट को कट कर लेंगे और लास्ट पेज पे ये वाला टेम्पलेट भी चाहिए, तो हम इसे भी कट कर लेंगे और बना क्योंकि लेंगे। स्टार स्क्रीम का फेस नॉर्मल ह्यूमन से अलग होता है, वो ट्राइंगलर होता है। हाँ हमारा जैसे ऊपर से सर्कल है तो यहाँ वो फ्लैट होता है और वो ऐसे करके ट्राइंगलर और नीचे जाके वो। हाँ तो मैं इसको जल्दी से बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारा ये रेडी हो चुका है, ये भी ना मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखो इसका चली है, हमने यहाँ पे टेप से चिपकाया इसको, बिल्कुल ऐसे ही हुडी बन चुकी है। इसका नोजल है, ये इसका हाथ वगैरह है। और जैसे ही हम इसको नीचे की ओर करेंगे, नीचे तो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नीचे कर देते हैं तो क्या होता है कि फिर ये ऐसे निकल जाता है। तो हम ये इसका होल्डर है, इसका होल्डर है जो इसको रोक के रखता है। हाँ ये तभी निकलेगा जब हम निकालेंगे, प्लेन बन सकता है। ये देखो ये जेट जैसा दिखता है। तो हमने यहाँ पे और टेम्पलेट्स को कट कर लिया है, तो अब हम इनको जल्दी से आइवरी पेपर पे X2 करके काट के चिपका के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ प्लेन बन चुका है, रेडी बना लिया।
हो चुका है, अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमने मैग्नेट्स लगा दिए हैं, हाँ ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अभी जो बनाना बचा है ना बहुत कम पार्ट है, इसके फीट और इसके हैंड्स और इसका रॉकेट। ऑफ कोर्स रॉकेट नहीं होगा तो ये चले गए वो तो मिसाइल है वैसे। हाँ मिसाइल है तो हमारे को शायद डे 3 लग जाए, पर शायद नहीं लगेगा अगर हमने थोड़ा जल्दी किया। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसकी लेग फीट बना लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे को चाहिए टेम्पलेट। यार आ गई टेम्पलेट्स, भैया भैया हम लेंगे टेम्पलेट्स, इन्हें कट कर लेंगे, इनमें मैग्नेट चिपका लेंगे और बस इसको रेडी कर लेंगे। और उसके बाद हम ना जल्दी से रॉकेट बना लेते हैं और हाथ बना लेते हैं। आपको ये सब आता ही होगा अगर आपने हमारी पिछली बम्बलबी ऑप्टिमस प्राइम वीडियोस देखी होंगी, ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी की। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है ट्रांसफॉर्मर क्राफ्ट की, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा आई कार्ड में। तो अब हम इन सबको जल्दी से बना के, जैसे कि हमने कहा था कि हम एक और वीडियो बनाएंगे, हमने स्टार स्क्रीन इसलिए चूज किया क्योंकि भाई वीडियो की शुरुआत में आपको पता चल चुका होगा वी वांट अ विलन। हाँ वी वांट अ विलन, बहुत हीरो हो चुके हैं, हीरो हो चुके हैं आई थिंक। हम मेगाट्रॉन भी बना सकते थे पर हमने स्टार स्क्रीन बनाया क्योंकि मेगाट्रॉन थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता और बड़ा भी होता है, और बड़ा भी होता वो एक्चुअली ऑप्टिमस प्राइम 10-12 फीट ज्यादा लंबा है इन मूवीज, रियल लाइफ में तो 1 फीट ही लंबा है। सो हम जल्दी से इन्हें कट आउट कर। तो हमने ये स्टार स्क्रीन को कंप्लीट कर लिया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे इसके दो रॉकेट्स हैं, ये इसकी फीट हैं और ये इसका हेड है। हमने यहाँ पे इसका एक फिन टाइप जो होता है चिपका दिया है, आपने देखा ही होगा स्टार स्क्रीन को, काफी अच्छा स्टार स्क्रीन है। हाँ और हमने ना इसको हम ये वीडियो कॉल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ना एक्चुअली अभी हम कोरोना वायरस की वजह से मिल नहीं पा रहे थे। तो आजकल कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, हमारे को घर से बाहर निकलना गेट के बिल्कुल सामने भी आना जाना हो रहा है, इसलिए हम नहीं निकल सकते। हम इस जूम मीटिंग पे बात कर रहे हैं और तो हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके चला देंगे। हाँ और इसलिए हमारी वीडियो को काफी टाइम लग गया, आपने देखा ही होगा ऑप्टिमस प्राइम ट्राइपॉड वाली वीडियो बहुत पहले आई थी और अब 1-2 महीने पहले आई थी ट्राइपॉड वाली वीडियो और ये इतने लेट आ रही है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि हम कैसे इसको शूट कर सकते हैं, तो हम ऐसे कुछ दिनों तक हम शूट नहीं कर पाएंगे क्राफ्ट वीडियोस क्योंकि हम एक साथ नहीं मिलके क्राफ्ट बना सकते। पर हम ये वाला पार्ट इसलिए शूट कर पा रहे हैं क्योंकि ये वाले अब हमारा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया था पहले, इसमें हमें आइडिया दिया कि वीडियो हाँ। तो अब मैं इसको आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इसका कैप पहनाना होगा, इसको थोड़ा होल्ड करके ताकि ये जेट की हेड की तरह लगे। फिर हम इसके हाथों को फोल्ड करके इसके अंदर डाल देंगे और हम इन पार्ट्स को हटा देंगे ऐसे। और फिर हम रॉकेट्स लेंगे और हम उन्हें अटैच तो करेंगे पर ऐसे, हम इनको ऐसे अटैच कर देंगे रॉकेट्स को ऐसे मिसाइल की तरह बन जाए। और फिर उसके बाद हम इसके 2 फीट निकाल देंगे और फिर हम इसको एकदम बंद कर लेंगे ये रॉकेट। तो अब हम इसको, अब ये रेडी हो गया है, ये अब जेट बन चुका है फाइटर जेट। तो अभी आप इसको खेल सकते हो और आप इसका रॉकेट शूट कर सकते हो और हेडशॉट लगेगा। तो एक काफी अच्छा टॉय है, आप बना सकते हो इसको। और हमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की क्राफ्ट प्लेलिस्ट का लिंक हमने यहाँ ऊपर दिया हुआ है, आप इस पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्टिमस प्राइम और ये हमारा, हाँ हमने उस वाली प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और हमने तीनों वीडियोस का सेपरेटली भी लिंक दिया हुआ है ऊपर। तो अब और यहाँ पे आपको बीच में हमारा चैनल लोगो मिलेगा, यहाँ पे एक वीडियो और यहाँ पे एक वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।